हेलो हेलो चीनू बेटा बेटा, तूने जूते गलत नाप के भिजवा दिए हैं। गलत नाप के? अम्मा, गलत कैसे हो सकता है? मेरा और तुम्हारा नाप तो एक ही है। हाँ बेटा, मेरा और तुम्हारा नाप एक है, तुम्हारे पापा का नहीं। अरे अम्मा, जूते पापा के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भेजे हैं। मेरे लिए? बेटा, अब इस उम्र में मैं जूते पहनूंगी? शोभा थोड़ी देगा मुझे। किस उम्र में किसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय पर और ऐसे दर्जनों विषयों पर चीनू और अम्मा के विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। मगर विचारों में मतभेद होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतर समझते थे। अम्मा, जूते सिर्फ शोभा के लिए नहीं, जरूरत के लिए भी पहने जाते हैं। जरूर पहने जाते होंगे बेटा, मगर मेरी जरूरतों की सूची में जूतों का नाम नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारी इस सूची में क्या क्या काम है जरा बताओ। बहुत काम है चीनू, जैसे पानी का एक नया कनेक्शन लगवाना है, और वो रसोई वाली चौगाट है ना, दरवाजे वाली, उसे दीमक ने साफ कर दिया है, वो बदलवानी है। दिवाली आने से पहले सारा घर पेंट करवाना है। अम्मा, ये सब घर की जरूरतें हैं, तुम्हारी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत? मेरी तो कोई जरूरतें नहीं, सब तो है मेरे पास। शैतान, माँ की नकल लगाती है। अम्मा यार, बहुत प्यारी हो तुम। हाँ हाँ ठीक है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं जूते पहनूंगी। अच्छा बाबा, मत पहनना जूते, खुश। अच्छा, पापा बता रहे थे कि तुम 1.5 महीने से मंदिर नहीं जा रही हो। हाँ चीनू, ये तो सच है। वो मंदिर तक जो गली जाती है ना, उसे पक्का करने का काम चल रहा था, मगर रोड़ी कंकर बिछाकर काम बीच ही में छोड़ दिया। अब कोई कहता है बरसात खत्म हो जाने के बाद काम पूरा होगा, कोई कहता है ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया, कोई ये भी कह रहा है कि उसे पैसे दिए ही नहीं, इसलिए वो काम अधूरा छोड़कर चला गया। जाने क्या सच है और क्या झूठ। गली जब कच्ची थी ना, तो अंधेरे में नंगे पैर चलने पर भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब नंगे पैर तो दूर, चप्पल पहनकर संभाल संभाल कर कदम रखने पर भी कभी पैर मुड़ जाता है, कभी कोई पत्थर चुभ जाता है। मेरी प्यारी अम्मा, इसीलिए तो जूते भेजे हैं मैंने, ताकि तुम हमेशा की तरह पौ फटने से पहले हवा से बतियाती अपनी धुन में मस्त मंदिर जा सको। अम्मा, तुम रो रही हो? अम्मा ने आंचल से, साड़ी की आंचल से आंखें पूछते हुए कहा। हट पगली, इसमें रोने की क्या बात है भला। अच्छा और क्या, मैं तो डब्बे पर जो नाम लिखा है वो पढ़ रही थी। अच्छा, तो बताओ जरा क्या लिखा है डब्बे पर। अमेज़न? अमेज़न नहीं अम्मा, अमेज़न। हाँ हाँ एक ही बात है। चीनू, मैं कितना भी गलत पढ़ूं, तू हमेशा सही समझ जाती है रे। शुक्रिया।